द पाइनियर फैशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसने कि 1 लाख से ज़्यादा आपके फैशन डिज़ाइनर्स बनाए हैं, जो कि बॉलीवुड में, टेली सीरियल्स में, फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में सब जगह हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. Myself, the product of London College of Fashion, और मुझे काफ़ी आई एम प्रिविलेज टू हैव द एसोसिएशन विद मिसिज यूनिवर्स. आपका तुषार जी के साथ हम इस साल से एसोसिएट हुए हैं 2019 में. बहुत अच्छा, थोड़ा सा मैं बताऊं, जो फिनाले वगैरह में मैं काफ़ी जुड़ा था. इससे पहले इनके ऑडिशंस हुए थे, सारे शहरों में हुए थे, मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2019 में. सब शहरों में डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स को लिया गया जो कि मिसेस हैं, और उनको एक ग्रूम करके यहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस हुए. फिर इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल उस पर ले गए, जो कि एक प्लेटफॉर्म दिया मॉरिशस में. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इसलिए हम लोगों ने दिया, जो कि भारतीय संस्कृति है उसको पूरी दुनिया जाने, जो कि हमारे काफ़ी गर्ल्स और यू नो बॉलीवुड को भी हम लोगों ने वो करा. तो ये पहला इनिशिएटिव है जो कि मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2019 के माध्यम से हम पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ले जाएंगे. इसमें हम मॉरिशस में गए थे, वहाँ पे फिनाले हुआ था, वहाँ पे आपके बॉलीवुड के भी आपके काफ़ी स्टार्स मौजूद थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स थे, और जो लोकल मीडिया थे, और वहाँ की जो दूसरा देश होते हुए भी मॉरिशस, वहाँ पे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है जिसने कि हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, गर्ल्स को दिया. तो इस तरीके से अगर हम भारत में मिसेस इंडिया यूनिवर्स के माध्यम से अपनी संस्कृति को दूसरे दूसरे शहरों में ले जाते हैं, इट इज़ अ एक्सीलेंट जॉब. तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट तुषार एंड वन ऑफ द यू नो पायनियर अर्चना तोमर. दे हैव द पिलर्स ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स. तुषार इज ऑलरेडी हेयर, यू कैन जॉइन एंड देन ऑब्वियसली दैट इज़ अ थिंग. और जहाँ तक आपका इवेंट है, एक्सीलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और डिफरेंट डिफरेंट शहरों के, भुवनेश्वर में भुवनेश्वर की लड़की है, बॉम्बे की लड़की है, बेंगलोर की है, दिल्ली की है, आपकी जोधपुर की है, जयपुर की है, आपके मैं वो चेन्नई की हैं, तो पूरे इंडिया की उनको एक आपको इकट्ठा करके उनको ग्रूमिंग देके हम लोगों ने जो दुनिया के सामने प्रेजेंट करा था, तो उसी के माध्यम में यहाँ पे आज वी हैव द 10 विनर्स, जो कि उन्होंने डिफरेंट टाइटल्स जीते हुए हैं, और वो आपके स्पेशली फ्रॉम द वेरियस सिटीज़, भुवनेश्वर से आए हैं, आपके जोधपुर से आए हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं, तो वो आपके अवगत कराएंगे हम लोग. रतन जी, आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में तो बता तो दिया है. अब मैं ऐसे स्पोक्स पर्सन ऑफ तुषार धालीवाल, मैं पहले तुषार जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा, और तुषार जी के साथ में आप इस साल से जुड़े हैं, आपने इनके साथ ये पूरा इवेंट किया है. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी शादीशुदा औरतों को एक कुंवारा कैसे हैंडल करता है, वो पहले बताइए आप. इसका जवाब पहले यही दें, फिर मैं थोड़ा सा ऐड करते हैं. सर, अरुण जी तो पिछले 4-5 साल से हम लोगों के साथ ही हैं, हम उनके साथ हैं बेसिकली, अरुण जी हमारे साथ ही हैं, और हर साल 4-5 इस तरीके के इवेंट होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उनका एक ही सवाल रहता है जो आज उन्होंने पहले पूछ लिया, जो हमेशा आखिरी में होता है, कि सलमान खान और तुषार धालीवाल और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं इनके. तो सर, हम इवेंट की बात करते हैं, मेरी शादी आप जब चाहे तब करा दीजिएगा. चलिए, इवेंट के बारे में आप नहीं, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि शादीशुदा लेडीज़ को हम लोगों ने क्यों चुनते हैं. लाइफ में जनरली एक पॉज आता है, जनरली काफ़ी गर्ल्स के उसमें आता है कि हम ये करना चाहते थे, ये करना चाहते थे. तो आफ्टर द मैरिज, आफ्टर 2-3 ईयर्स, जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल्स में जाना शुरू कर देते हैं, तो दे हैव द टाइम, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, द लाइफ इज़ ओनली वंस. तो दीज गर्ल्स जो लेडीज़ में शादीशुदा होती हैं, उनके काफ़ी अरमान होते हैं कई बार, तो उसको तुषार ने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए थोड़ा सा उभारने की कोशिश. मैं एक और आदमी को बोलना चाहूँगा इसमें, यहाँ पे एक मशहूर कलाकार भरत जी बैठे हुए हैं. जी जी,
विजय जी आप आएंगे प्लीज हमारे बीच, विजय भाटिया। थैंक यू वेरी मच। तुषार जी आप कहाँ जा रहे हैं, पहले आप बताइए कि आपने क्या क्या तैयारी की, इन लोगों को कैसे इकट्ठा किया? सर हम लोगों ने 20 सिटीज में ऑडिशन करे और वहाँ से अराउंड 40 गर्ल्स को हम सेलेक्ट किया, लेके हम इनको मॉरिशस गए, वहाँ पे हम लोगों ने ग्रैंड फिनाले किया और रिजल्ट आपके सामने ही है। आज 10 विनर्स हमारी आपके रूबरू होंगी। भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक एक्टिंग करियर का अनुभव और साथ में ग्लैमर फील्ड, ये एक फैशन फॉर वर्ल्ड में तुषार को, मैं तुषार की तुलना हमेशा सलमान से करता हूँ, ना राहुल गांधी से नहीं करता हूँ, क्योंकि परमिशन नहीं है, वो ग्लैमर के फील्ड में है इसलिए उनकी तुलना हमेशा करता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, और सेकेंडली आपने मुझे भरत का वो भी करेक्ट है क्योंकि मैं पॉपुलरली भरत के नाम से ही जाना जाता हूँ, दैट वाज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर जो मैंने किया। एनीवे कमिंग बैक, तुषार को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और हम लोग क्लोजली एसोसिएटेड भी हैं, तो जब इसने मुझे बताया मिसेज इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है हमारे देश में स्पेशली औरतों को ये बताया जाता है, सिखाया जाता है बचपन से, चाहे हम लोग कितनी भी तरक्की कर ले, कि शादी इज़ द एंड ऑफ इट, ख़त्म, शादी के बाद लाइफ एकदम उल्टा यू टर्न ले लेगी और उसके बाद में खाली मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ससुराल, सिर्फ यही तुम्हारी लाइफ है। वेल एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ फैक्ट, क्योंकि अगर एक आदमी को काम करने का पूरी आज़ादी है, हक है और वो जो चाहता है कर सकता है, तो वही हक, वही फैसिलिटीज़, वही चीज़ें सब एक औरत के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। और वो मिसेज इंडिया प्लेटफॉर्म इज नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लैमर, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका वजूद क्या है, एज अ वुमेन व्हाट डू यू फील, आपको इस देश के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं आप, एक क्योंकि एक सोसाइटी, एक देश बनता है एक घर से, एक परिवार से, तो एक औरत एक घर परिवार चलाती है, वो आगे चल के इस देश को सुधार सकती है, चला सकती है, बना सकती है। तो ये बातें बहुत बड़ी है और बहुत डीप लगती है, लेकिन बेसिकली शुरुआत यहीं से होती है, जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं तो वहाँ से ही औरतों को मौका मिलता है आगे आने का और वो फिर वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाती है, और इसी तरह दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड, द कंट्री, द नेशन प्रोग्रेसेस, ये मेरे थॉट्स हैं इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर। फिलहाल ये इस बात को ख़त्म करते करते एक बात की मैं आपको और शुभकामना देना चाहता हूँ कि हमेशा क्या कहा जाता है कि जब चार औरतें इकट्ठा होती हैं तो आपस में गपशप और पड़ोसी की चुगलियाँ करती हैं, कम से कम मिसेज यूनिवर्स में आने के बाद लोग सोचते हैं कि अब आगे हमें अपने स्टेटस बनाने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल, ये लोग दूसरे चीज़ों में मशगूल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दीजिए सामने देखिएगा लुक अपना। Good evening, respected media bodies, respected Tushar sir, respected Ratandeep sir, and my co-contestants. I am Mrs. Munmun Singh, winner of Mrs. India Universe Season 3 Universal Gold category. Hello everyone. Good evening. Good evening, media and respected sir. I'm Kanchan Solanki, Mrs. India Universe 2019 Globe. Namaste. I'm Trisha B. Tomar, currently holding the title of Mrs. India Universe Earth 2019 Gold category. अच्छा मैं एक एक से आप तीनों से पूछना चाहूँगा, एक एक करके आंसर दीजिएगा कि आप लोगों को अब कैसा फील हो रहा है क्राउन जीतने के बाद? Well, crown is all about responsibilities. It's not about mere design of rhinestones. So after taking this crown, I think हमारा जो भी social responsibility है and जिस तरह से हम अपने profession को ले रहे थे, personal life को ले रहे थे, अभी थोड़ा सा change हो गया है because people are getting influenced from us and from our achievements. So हमें अभी बहुत ज़्यादा focus करना है और अपने आप को as a human being and in every sphere बहुत ज़्यादा develop करना है, साथ ही साथ हमारे जैसे जितनी भी ladies है, जितनी भी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, उनको भी इंस्पायर करना है। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्कोप एंड फॉर द हेल्प फ्रॉम तुषार सर एंड अर्चना मैम एज वेल। हां मैम, आप सर क्वेश्चन आप कैसा फील करती हैं आप क्राउन जीतने के बाद? सर क्राउन मेरे लिए ये ड्रीम था जो मेरे को मिसेज इंडिया यूनिवर्स में आके मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ है और ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी रेस्पेक्ट है आपकी सोसाइटी में, आपके सिटी में, आपके इन कंट्री में जो रेस्पेक्ट हमें मिली है आफ्टर मैरिज,
तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए और उसको हम जहाँ भी जा रहे हैं इसको मिसेज इंडिया यूनिवर्स के क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बहुत ही प्राउड फील है. एंड आई एम द प्राउड विनर ऑफ मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019. मिसेज तोमर आप बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल विनिंग अ क्राउन, आई फील सक्सेस ऑफ विनिंग अ क्राउन इज जस्ट अ जर्नी विच इज स्टार्टेड. डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है. वी नीड टू वर्क हार्ड सो दैट वी बिकम द फेसेस ऑफ सोसाइटी. With the crown, I feel proud and I am enthusiastic to work for the society, be the face of the society so that I can work for women empowerment. And even today, as sir has said that women has a stop in life after marriage. We are the examples that sapno ko jeene ke liye koi age ki zarurat nahi hoti, hame bas sapne jeene. And Mrs. India Universe is the platform which gives chances to ladies like us to live our dreams and work for the society. Thank you so much. Udaan bharne ki tamanna har kisi mein hoti hai, bas par phadhane ki der lagti hai. Thank you. Kya dekhi samne? Namaste, respected media, respected Tushar sir, respected Archana ma'am, and respected jury members. I am Sonali Rajwanti from Odisha, Bhubaneswar. I am the winner of Mrs. Universe, Mrs. India Universe in Platinum category, Mrs. World. Hello everyone, this is Richa Jain. I am mother of two and I belong to city state Chhattisgarh from Bilaspur, and I won Mrs. India Universe Globe in Platinum category. Raju Mishra from Ahmedabad, proud mother of two sons and loving wife of my husband. Recently I won the title of Miss India Universe International 2019. आप लोग को कैसा फील होता है, आप लोग बताइए. So it's really a very proud moment for us. When we actually won the title, it was very proud moment for me. When I got this crown, it was a really a dream for me. When I was a child, it was a passion for me that I will always stand for this beauty pageant. But after being my career started by in my education, then I got married, then everything was stopped. But again, this Mrs. Universe gave us a landmark or a platform where I stood again and I worked and followed my dream. Thank you. डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है. पूरी लाइफ चेंज हो गई है. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू लाइफ. और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अपनी सिटी में. जहाँ भी जाते हैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स ग्लोब आई हैव बोलते हैं सब, और बहुत अच्छा फील होता है. थैंक यू. बहुत ही अच्छी जर्नी रही मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019 की. फादर इज़ अ डॉक्टर, तो उनका भी इतना उनको फील इतना प्राउड फील हो रहा है कि इस एज में आके मैंने ये क्राउन जीता. और ये क्राउन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मैंने सोचा है इसके लिए कि मैं करना चाहती हूँ, मेन मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए करना चाहती हूँ. और दूसरा जो कैटल पॉपुलेशन है, जो गाय और एनिमल्स जो कुत्तों के लिए हैं, उसमें क्या है जो हर्ट करते हैं, जो डॉग्स और हाउस को रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनके लिए मैं अवेयर करना चाहती हूँ उनके ओनर्स को. एंड वो पनिश कर होना चाहिए कि उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए. उनके कारण रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं और मर भी जाते हैं जानवर, तो मैं उनको अवेयर करना चाहती हूँ. थैंक यू वेरी मच. आप लोग के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा. चार दिन की जिंदगी है, दो दिन बचपन में गुजर गए, दो दिन जवानी के. लेकिन वो जवानी का क्या फायदा अगर कुछ करके दिखाया. आप लोग कर दिखा रहे हैं. थैंक यू. अपने साथियों का परिचय कराइए. मेरे साथ है रवि भाई और अबीर भाई. ये हमारे मिसेज इंडिया यूनिवर्स की टीम है, सपोर्टर्स हैं. इनके बिना ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता था. और आगे भी जो हम 2020 हम करने जा रहे हैं, तो इन्हीं का ही सपोर्ट है. तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दो शब्द आप बोले इस शो के बारे में. सबसे पहले तो हम लोग तुषार को, अर्चना को हम कंग्रेचुलेशन देना चाहेंगे कि इतने सक्सेसफुल इवेंट्स ये लोग बैक टू बैक करते आ रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. और सबसे अच्छी चीज़, जितना मैं तुषार को जानता हूँ, जो स्टार्टिंग इसने किया था अपने पेजेंट्स को लेके, तो बहुत छोटे लेवल से इसने स्टार्ट किया था और आज बहुत बड़े लेवल पर जाके ये चीज़ों को अच्छा कर रहा है.
तो प्रे टू गॉड कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे हमारा भाई और ऐसे आगे नई नई चीजें करता रहे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा तुषार से, अभी भी जस्ट जब मैं पीछे खड़ा था तो मेरे को दिमाग में आया कि मिसेज वाले इवेंट तो करता है, क्यों ये मिस्टर वाले इवेंट करे? मतलब शादीशुदा आदमी वाले भी करने चाहिए उसको, तो एक बार सोचना चाहिए आपको। उसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि क्यों भैया मिसेस का इवेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हीरो रहते हैं। अच्छा। अब मिस्टर लोग का करेंगे तो उसमें खुद ही इनको इतना परेशान करते हैं कि भैया तू भाग जाओ जयराम जी। सर 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 जैसे सर आओ ना आप इधर, तो आओ सर। मतलब अभी जैसे सर है, मतलब अभी भी यंग है, इतनी एनर्जी है सर में जिसकी हद नहीं है, तो सर के लिए भी एक पेजेंट होना चाहिए ऐसा, राइट? करेक्ट है ना, तो मैं यही चाह रहा था सर। अंकल इंडिया, अंकल इंडिया, मिस्टर इंडिया, तो ऐसे पेजेंट भी करने चाहिए। हाँ, और बाकी नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट इस बार से बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत बड़ी जगह पे है और कुछ नया है, तो इस बार हम लोग लाइव होंगे। और रवि सर आप बताइए। मैं बेसिकली इस फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर। अभी तुषार जी के साथ जुड़ करके, पहले तुषार जी हुए काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो भी इवेंट्स है जो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी जो मेरी फिल्म चल रही है, अभी हम लोगों ने एक बड़े डायरेक्टर राइटर को साइन किया, नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उसमें इनके इवेंट के थ्रू जितने भी टैलेंटेड, वैसे तो सभी टैलेंटेड है, जो भी मोस्ट ऑब्वियसली ऑडिशन उनमें से ऑडिशन लेंगे जो भी रहेंगे, तो उनको हम लोग अपनी फिल्म में चांस देंगे। और एक मैं बता देता हूँ, इनकी एक विनर है त्रिशा बी तोमर, बी तोमर, एक शो ऑलरेडी वो शॉर्टलिस्टेड हुई हैं जिनके लिए कल मे भी शायद उनका साइनिंग है, तो त्रिशा बी जो हैं एक शो कर रही हैं, मैं चैनल डिस्क्लोज नहीं करूँगा कौन सा कर रही हैं, तो कल उनका एग्रीमेंट, तो उनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। आप लोग को मैं तुषार धालीवाल के इस मिसेस इंडिया यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट की पूर्व विजेता रूबी माछरा उर्फ रूबी अरोड़ा से मुलाकात करवा रहा हूं। आप रूबी के बारे में जैसे पूछिए उनका क्या कहना है, अब आगे की इनकी नई पीढ़ी इनके बाद की जो दूसरी आई है। हेलो, आई एम रूबी अरोड़ा, मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2018 एंड मिसेज यूनिवर्स नॉर्थ वेस्ट एशिया 2019। मिसेज इंडिया यूनिवर्स श्योर इज अ प्लेटफॉर्म विच इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर द मैरिड वुमेन टू कम अक्रॉस, शो देयर टैलेंट्स, क्रिएट देयर आइडेंटिटी एंड वॉट द वुमेन ऑफ टूडे आर लुकिंग फॉर, क्रिएट अ नेम एंड अ फेम फॉर देमसेल्व्स। रेस्पेक्ट फुल मीडिया पीपल एंड आर रेस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजर्स, आई एम रंजिता देवरासु फ्रॉम द गार्डन सिटी बैंगलोर, आई एम द टाइटल होल्डर ऑफ मिसेज इंडिया यूनिवर्स वर्ल्ड 2019। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हेलो मीडिया पीपल एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स हियर, वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, एंड आई एम सोनाली प्रदीप, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम द टाइटल विनर ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स अर्थ 2019। थैंक यू एंड वेरी हैप्पी मीटिंग यू ऑल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, एंड आई एम दोला शालिनी भगत फ्रॉम कोलकाता, एंड आई एम द विनर ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स यूनिवर्सल टाइटल 2019। टुनाइट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हियर, इट्स अ प्रिविलेज टू मी, एंड ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिसेस अर्चना तोमर एंड मिस्टर तुषार धालीवाल फॉर गिविंग अस सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। सो वी वांट टू नो वन बाय वन, व्हाट डू यू फील नाउ अबाउट आफ्टर विनिंग दिस क्राउन? It is very a proud moment, and it's also a happy moment for me and my family as well. I wholeheartedly thank our organizer Mr. Tushar and Archana ma'am for giving us this opportunity, and this crown and title is a very huge thing for us, which help us to create oneness among us and also create a change in the world by being a role model. This beauty pageant is only not about showing our beauty, it also train the women to gain courage and also show all the different facets of the women also. Thank you.
and having crown on my head and being the winner, one of the winners of Mrs. India Universe. It is absolutely feeling wow. I just cannot express the feeling how I feel right away. With a crown, it really feels great. It is actually taking myself top to the cloud nine. But at the same time, I would like to remain grounded. And yes, this platform has given me a lot. It has taught me a lot of things which any big universities of this entire world will not teach me. So this platform has been the great platform for me. And I met a lot of friends here in this very pageant, and it was a beautiful opportunity for we ladies and the organizers. I would like to give my sincere gratitude to the organizers, Mr. Tushar Dhariwar and Archana Tomar, for providing such a wonderful opportunities for the married women. And I think all the married women should get inspired by looking at all the winners, and I think everybody should try to come out of their regular routine life, and they should get inspired and aspire to achieve things in their life. And yes, I want to become a role model for all those women, especially mothers, and that's my major motto of winning this crown, and I'm very happy about it. Thank you all again. Yeah. Having this title, Mrs. India Universal 2019, it is a great respect and privilege to me, and I feel like a queen. But with this title, I have a lot of responsibilities for my society, and I would like to inspire all the women over the world so that they can be independent. And I would like to celebrate this moment with my co-contestants and the winners and with the organizer. Thank you very much. तीनों सुंदरियों के लिए सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा कि चार गज जमीन हर इंसान का मुकद्दर है, और जो फूल बन खुशबू फैला दे उसके बाद ही कुछ और है। थैंक यू। नया साल आने वाला है, तो इंडिया की तरफ से जो लेडीज की जो लुक है उसको लंदन, पेरिस, मिलान और आपके जितने भी फैशन कैपिटल्स हैं वहां की लेडीज कैसे वो बनाती हैं और यहां की लेडीज कैसे वो करती हैं, तो उसको हम प्रमोट करेंगे। दिल्ली में हम लोग के नेक्स्ट महीने में कटूर फैशन वीक, ऑस्ट्रेलिया फैशन वीक, टॉप मॉडल्स फैशन वीक हैं, उसमें से इन विनर्स को हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे कि वो फैशन एंड लाइफस्टाइल उसमें जाएं। और यहाँ पे हमारे और भी बॉलीवुड के रवि भाई हैं, अबीर भाई हैं, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, विजय भाई हैं, तो हम लोग इसके लिए भी कर रहे हैं कि म्यूज़िक वीडियोज़ में, टेली सीरियल्स में और प्लस बॉलीवुड की मूवीज़ में इनको छोटा छोटा रोल देके इनको कॉन्फिडेंस दें कि न केवल इन्होंने क्राउन जीता है, इसके अलावा ये धीमे धीमे अपनी शोहरत अपने शहरों से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता सब जगह ले जाएंगी, और उसके बाद इंटरनेशनल में हमारे जगत में कल्चर की तरह, कल्चर जो इंडियन कल्चर है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगी। और वो हम लोग 2020 के जो कल हम लोग शूट कर रहे हैं उसके कई हम फोटोग्राफ सब जगह फैशन ब्लॉगर्स को भेजेंगे, आप लोगों के पास भी आएंगे, तो हम चाहेंगे कि नए साल पे इन लेडीज़ को आप लोग भी प्रोत्साहित करें। थैंक यू। सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी इवेंट या कोई भी फिल्म वो अधूरी है, तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं हम त्रिशा बी तोमर, जो कि हमारी बहुत ही खूबसूरत कंटेस्टेंट है। एक शो है, मैं अभी जिसका नाम रिवील नहीं कर सकता, जिसके लिए ऑलमोस्ट इनका डन हो चुका है, और कल मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड हाफ तक इनका एग्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट अभी तक निकल चुकी हैं वर्क के लिए, जो एज एन एक्ट्रेस टीवी पे आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे। और एक दो नाम है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं एक कन्फ्यूजन पे नहीं हूँ, इसलिए तो बहुत जल्दी वो नाम भी आप लोगों के सामने होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। कैमरा अभी मुझे नीचे जाके बोलने से बताया जाऊँ मैं, फोन कर लो भैया एक बार। रवि एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड का, जिसमें एक नोन बड़ा नाम है जिनका नाम है अर्जुन रामपाल। ओके, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट इनका अभी चल रहा है, तो नीचे हमने बात की, तो कुछ लोग हैं जो हमने इनमें से शॉर्टलिस्टेड किए हैं, उनके ऑडिशन होंगे, उन ऑडिशन पे वो अच्छा करेंगे तो फिर डेफिनेटली कि रवि भाई के फिल्म में वो काम कर रहे हैं। अरे कैमरा क्लोज। तो पीआरओ में अर्जुन में से